नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ। वीरवार यानी आपने देखा होगा बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा होती है। वीरवार को भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा शुभ मुहूर्त है, बड़ा ही महत्व होता है। लेकिन जब कोई अच्छा दिन आ जाए और उस दिन वीरवार पड़े तो उस दिन महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है और गौ माता की सेवा का बड़ा ही पुण्य मिलता है। ऐसा ही शुभ मुहूर्त पड़ रहा है हरियाली तीज वाले दिन। हरियाली तीज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है और इस दिन वीरवार पड़ रहा है तो इस दिन आपको दो कार्य करने हैं। एक तो गाय के लिए चारा डालना है और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ वह आपको गौ माता के लिए खिलानी है। यानी वीरवार जो भगवान विष्णु का बार होता है, हम विष्णु की भगवान की पूजा करते हैं, तो इस दिन आपको बेसन की, ध्यान रखना, इस दिन आपको बेसन की रोटी बनानी है। और ये समय बार बार नहीं आता है। अगर आप यह उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी की आपके घर में भरपूर कृपा होगी। माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहेंगी आपके घर में, आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगी। तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप खिलाएं, आपको पुत्र धन सुख समृद्धि हर चीज प्राप्त होगी। तो बेसन की रोटी बनाएं, बेसन की रोटी बनाए, उसमें मिक्स गेहूं का आटा भी थोड़ा सा मिला सकते हैं अगर चाहे तो। रोटी बना करके आप भगवान विष्णु के सामने जाएं और ये बहुत ही अच्छा उपाय है, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। भगवान विष्णु के सामने जाएं और वहाँ पर बैठ करके आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये रोटी भगवान विष्णु के सामने रख दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ऐसा मंत्र जप करके आप भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद में अगर हो सके तो आप वीरवार की कथा भी पढ़ सकते हैं। वीरवार कथा ना पढ़ें तो सिर्फ माता टेक करके और वो रोटी उठा लें और वह रोटी ले जा करके गौशाला जाएं और गौ माता को वह रोटी खिला दें। अगर साथ में आप दो केले भी ले जाना चाहें तो वो भी खिला सकते हैं। लेकिन बड़ा महत्व है, यानी इस दिन आपको नमक नहीं डालना है। जो आप रोटी बनाओगे उसके अंदर आपको खाना के अंदर नमक नहीं डालना है। सिर्फ आपको चापाती रोटी बनानी है बेसन की और वह गौ माता को खिलानी है जिस विधि से मैंने आपको बताई है। बहुत प्रभावशाली और चमत्कारिक चीज है ये उपाय, बहुत ही अच्छा, और करके देखे, कोई ज्यादा खर्च नहीं है इसमें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय गौ माता।